आपकी बात बताओ मेरे को, हाँ हम मेरे को ये भी बात पता कर है, रहे हाँ थे ऋषभ पंत मेरे को का भी पता है। हथौड़ा, हथौड़ा बैट है ये। आप हथौड़े देखिए यहाँ पर, आप योन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, नीतीश राणा, ये हैं आपके टॉप सिक्स। अरे भैया कहाँ से बचो और कहाँ भागो अगर आप बॉलर हो तो, हाँ, और बॉलर एक में खास जोड़ बात है, दो। ये टॉप सिक्स अगर आप देखो तो विकेट कीपर आ गए उसमें दिनेश कार्तिक, बिल्कुल सुनील सुनील नारायण अगर फिट हो पूरी तरह से तो उनके 4 ओवर आ गए, रसिल के 2 तो आ ही गए, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं, तो आपके पहले 6 में 7 ओवर है, बड़े जबरदस्त फिनिशर्स हैं, टॉप ऑर्डर अच्छी है और विकेट कीपर भी है, तो आपकी टॉप सिक्स में तो टीम बन ही गई आपकी। उसके बाद बिल्कुल पैट कमिंस है, उसके बाद अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बस थोड़ा वीकनेस उसके बाद आता है कि इंडियन बॉलर्स कैसे, जो फास्ट बॉलर्स हैं वो कैसे करेंगे, और उनके लिए अगर कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तजुर्बा जो है भारतीय तेज गेंदबाजों का यहां पर, मतलब अच्छा हुनर वाले हैं, प्रॉमिस वाले हैं, पोटेंशियल वाले हैं, पर देखिए जो इंटेंसिटी होती है अजय या आईपीएल की, यहाँ पे मतलब तजुर्बा तो है वो, मतलब आप खरीद नहीं सकते। जैसे कि कह रहे थे मलिंगा के बारे में हम लोग पहले, कि मतलब इतने साल हो गए खेलते आ रहे हैं, फिर भी आखिरी ओवर जब फाइनल में डाला तो जिता ही दिया उन्होंने। तो ये जो तजुर्बा है, ये एक अच्छी परीक्षा होगी इन यंग बॉलर्स, युवा बॉलर्स के। जी बिल्कुल, क्योंकि मावी है और जो प्रसिद्ध कृष्णा, अगर मैं नाम उनका सही से लिया है, बिल्कुल ये आप याद करें जब ऑक्शन में थे ना, तो इनके पीछे ये लोग काफी गए थे, तो उस वक्त इनकी सोच ही ये थी कि ये फ्यूचर के खिलाड़ी हैं, और ये और फास्ट बॉलर एक्चुअली मैं मानता हूँ कि अगर यंग हो ना, अगर मलिंगा है जो अनुभव का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाज या गेंदबाज जितने भी होते हैं, आप गेंदबाज 12 साल के उठा के देख लो, पहले साल याद कर लो, एक शेन वॉन यूज करते थे, कामरान खान, फाइनल ओवर एक हुआ था टाई उसको दे दिया, वो क्यों होता है, क्योंकि गेंदबाज जब तक आप हांकते हैं ना, जो हंडा हुआ प्लेयर होता है वो हांक लेता है गेंदबाजों को कि कहाँ गेंद करता है, कब डालता है कब नहीं, तो जो नए गेंदबाज होते हैं उनका पहला साल तो बहुत अच्छा जाता है ज्यादातर गेंदबाजों का, अमूमन देखेंगे आप, उसके बाद फिर आपको एक अलग लेवल पे जाना पड़ता है और जोड़ना पड़ता है, तो अभी तक ये अननोन ही है क्योंकि एक को तो चोट लग गई थी, तो इनके पास पैट कमिंस है, इनके साथ एक्सपीरियंस का जो अभी हर्षा जी ने बात की, इनके पास मेरे को नहीं लगता बॉलिंग की कमी है, ये टीम भी ऐसी लगती है कि ये किसी को भी किसी दिन मार सकती है, बट सही वही बात, वाली बात है, खेलेंगे कैसे, अब आप सोचो वो गलती तो नहीं करेंगे जो हम लोग करते आए हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में है लेकिन कप्तान कोई और है, ईयन मॉर्गन दुनिया का सबसे अच्छा कप्तान है लेकिन यहाँ पे आप उससे नहीं करवाएंगे, ये तो आईपीएल है भाई, जिसकी जो मर्जी है करो। बिल्कुल सही बात है। पर लीडरशिप यूनिट भी होता है, मतलब अगर आप खिलवाएंगे मॉर्गन को, तो कार्तिक है कप्तान, भारत के कप्तान है उनके, मतलब भारतीय कप्तान है उस टीम के। और आपने तो हर्षा दोनों से बात करी है, मॉर्गन से भी बात करी थी आपने और दिनेश कार्तिक से भी बात करी थी, और दोनों थोड़े जेंटल कैरेक्टर्स हैं जो उनकी कैप्टेंसी है। कई कप्तान होते हैं जो मतलब हावी हो जाते हैं पूरी टीम के ऊपर, कई होते हैं जो मतलब प्यार और मोहब्बत से, ये दोनों प्यार मोहब्बत टाइप स्कूल के। है लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि एक डेजिग्नेटेड कप्तान होता है टीम में, दिनेश कार्तिक डेजिग्नेटेड कप्तान है, लेकिन मॉर्गन की सोच क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो टीम चलाते आ रहे, कोच कौन है, अजय ने कोच का जिक्र किया, कोच है ब्रेंडन मैकलम, जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी खेलने की, ब्रेंडन मैकलम के शागिर्द कौन है, ओएन मॉर्गन, ओएन मॉर्गन के गुरु कौन है, ब्रेंडन मैकलम, तो इन दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें दिनेश कार्तिक रह न जाए, इसीलिए आप गौर करें कि बार बार कहते आ रहे हैं, ओवन मॉर्गन ने मुझे उस इंटरव्यू में भी कहा कि मैं इंग्लैंड का कप्तान हूं, बिल्कुल सही, लेकिन केकेआर का कप्तान दिनेश कार्तिक है और मैं यहाँ पे मदद करने के लिए हूँ, मेरी सोच है और मैं उनको मेरे आइडियाज देता रहूंगा, लेकिन कप्तान दिनेश कार्तिक है, ब्रेंडन मैकलम ने ये बात कही, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इतनी कोशिश की है लोगों को बताने की कि शायद प्रॉब्लम अंदर ही अंदर वो सोच रहे होंगे इसलिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर दिनेश कार्तिक को टीम मिलती है संभालने के लिए और ये सब सपोर्ट करते हैं उनको तो मेरे ख्याल से फायदा होगा, लेकिन ये टॉप सिक्स पे ही आज एक ने नहीं किया तो दूसरा करेगा ही ना, उस टॉप सिक्स में 2-3 तो हर मैच में 2-3 तो करेंगे ही, तो कलकत्ते की टीम इस बार है, कोरबो लोडबो जीतबो रे जीतबो हो सकती है।